उत्पत्ति उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद में हमने देखा कि अब्राहम को यहोवा परमेश्वर ने बुलाया। अब्राहम ने विश्वास किया कि जो मुझे बुला रहा है वो विश्वास योग्य है और जो कुछ वो वादा कर रहा है वो निश्चय पूरा करेगा। मेरे प्रियो, आप स्वीकार करते हैं इस बात को कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको नाम लेकर के चुना है। चाहे आप अपने जीवन क्षेत्र में कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, परंतु फिर भी परमेश्वर ने आपको चुना है। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जितने लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उन सबको परमेश्वर ने नाम लेकर के बुलाया है। और जब परमेश्वर ने आपको नाम लेकर के बुलाया है तो आपको इस बात पर विश्वास करना है कि जो आपको बुलाने वाला है वो विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको अपने राज्य के लिए अपने पास बुलाया है। वो विश्वास योग्य है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। हर परिस्थिति में उस पर हम विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वो विश्वास योग्य है। वो हमें हर परिस्थिति से बाहर निकालने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। चाहे दुख, बीमारी, परेशानी, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। यही विश्वास है। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो हर कंडीशन में हमें उस पर ट्रस्ट करना होगा, उस पर भरोसा करना होगा कि वो सब कुछ पूरा करेगा। अब ना हम एक ऐसे देश में जा रहा है जिस देश का उसे नामो निशान भी पता नहीं है, लेकिन वो विश्वास कर रहा है कि जो मुझे बुला रहा है वो विश्वास योग्य है। वो नहीं जानता कि जिस देश में मैं जाऊंगा वहां मैं कहां रहूंगा, कौन सा स्थान होगा, मेरा वहां रेपुटेशन क्या होगी, लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उसे नहीं पता। उसे ये भी नहीं पता वहां जाके मैं अच्छा रहूंगा या फिर मेरे साथ में सब कुछ बुरा होगा, उसे नहीं पता। और वो जानना भी नहीं चाहता है, वो केवल एक बात जानना चाहता है कि जो मेरा बुलाने वाला है वो विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, अगर हम ये बात को अपने जीवन में समझ लें, हर एक विश्वासी अगर इस बात को समझ ले कि जो मुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य है, तो वो कभी भी यीशु मसीह से पीछे नहीं हटेगा, वो कभी भी यीशु मसीह पे ब्लेम नहीं करेगा, वो कभी नहीं कहेगा कि यीशु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, वो कभी नहीं कहेगा कि कुछ नहीं है, परमेश्वर तो कुछ भी नहीं करता। भी हर एक दुख, बीमारी, परेशानी में विश्वास रखेगा परमेश्वर के ऊपर, यदि वो इस बात को जानता है कि जो मेरा बुलाने वाला है वो विश्वास योग्य है, वो हर परिस्थिति में मेरे साथ में रहेगा। आज आपको अपने मन में इस विश्वास को पैदा करना है, चाहे मैं जीवन में किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहूं, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, परंतु मेरा बुलाने वाला विश्वास योग्य है, उस पे विश्वास रखो तो वो सब कुछ ठीक। पत्रस जब यीशु मसीह को देखा झील में और यीशु मसीह से कहा कि प्रभु मैं आना चाहता हूं, उसने कहा आ जा, वो जब चला लेकिन वो गिर गया, लेकिन बुलाने वाला विश्वास योग्य है। परिस्थितियां आई और पत्रस नीचे बहने लग गया, पानी में डूबने लग गया, परंतु विश्वास बुलाने वाला कौन है, विश्वास योग्य है। जो बुला रहा था आ जा मेरे पास आ जा, जो बुला रहा था वो विश्वास योग्य है। और मैं सोचता हूं यीशु मसीह दौड़ के गए होंगे और पत्रस को उसने गोदी में उठाया होगा और फिर से उसे चल करके वो फिर नाव पे दोनों के दोनों गए होंगे, क्योंकि हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। पत्रस डूबा जरूर, पत्रस गिरा जरूर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे संभाल लिया। पत्रस और यीशु मसीह फिर से चलकर नाव पर गए होंगे। मेरे प्रियो, हमें बुलाने वाला विश्वास योग्य है, उस पे हम हर कंडीशन में विश्वास कर सकते हैं। उसके पास आपको बुलाने का, आपको चुनने का एक विशेष उद्देश्य है, एक पर्पस है परमेश्वर के पास आपको बुलाने का। हम सबको बुलाने का एक पर्पस है, अब्राहम को बुलाने का भी एक उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था, दूसरे पद में हम लोगों ने देखा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितने लोगों ने मसीह यीशु पर विश्वास किया है उन सब के लिए ये वचन है, वो सब अब्राहम की संतान है और अब्राहम की ब्लेसिंग्स हम सब के पास है। वही वचन जो उसने अब्राहम से कहा था विश्वास के द्वारा, वही वचन हम सब के लिए है। प्रभु कहता है मैं तुझे एक ग्रेट नेशन बनाऊंगा, मैं तुझे एक महान देश बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीषों का मूल होगा, तेरे द्वारा संसार के लोग आशीष को पाएंगे, तुम्हारे द्वारा, मेरे द्वारा परमेश्वर दुनिया को क्या करेगा, आशीषित करेगा, हमारे आसपास के लोगों को, हमारे गांव के, हमारे देश को, हमारे शहर को, हमारी दुनिया को हमारे द्वारा आशीषित करेगा, तू आशीष का मूल होगा और मैं तेरे नाम को महान
करूंगा, प्रभु हमारे नाम को महान करेगा और उसका वचन झूठा नहीं है। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, यदि हम इस बात पर विश्वास करते हैं, यदि हम इस बात पर भरोसा करते हैं कि परमेश्वर जो मुझे बुलाने वाला है वो विश्वास योग्य है, तो उसके लिए ये सारे वचन है कि तुझे मैं एक ग्रेट नेशन बनाऊंगा, तुझे मैं एक बड़ा देश बनाऊंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, तू आशीषों का मूल होगा और तेरे नाम को मैं महान करूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज सुबह आपसे यही बातचीत करता है कि यदि तुम इस बात पे विश्वास कर लो कि वो बुलाने वाला मेरा चुनने वाला विश्वास योग्य है, तो सारी आशीषें आपके जीवन के लिए वो दे देता है। जिस किसी ने ये विश्वास किया कि मेरा बुलाने वाला विश्वास योग्य है, वो कभी पीछे नहीं हटता। जिसने बुलाया है वो हर एक परिस्थिति में मेरे साथ में है, वो हर एक परिस्थिति में मेरे साथ में खड़ा है, वो हर समय मेरा युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। बाइबल में लिखा है संग्राम तो यहोवा का है और जय तुम्हारी है। युद्ध तो परमेश्वर का है, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। हर एक कठिन परिस्थिति फिर उसकी है। पतरस जब डूबता है तो उसको बचाने की जिम्मेदारी यीशु की है, क्योंकि उसने बुलाया था, किसी और ने उसने बुलाया था, इसलिए उसको जब डूब रहा था तो उसको बचाने की जिम्मेदारी यीशु की थी और यीशु ने वो पूरा किया, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। वो जिसको बुलाता है उसको वो उसके लिए सब कुछ पूरा भी करता है। हर समय, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट वो उसके साथ में खड़ा है, उसकी हर एक परिस्थिति से लड़ने के लिए, उसे हर एक परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए। आइए हम सब लोग दुआ करें।